वेलकम वेलकम टू माय चैनल फूड लवर्स। मैं चार्मी आप सबका स्वागत करती हूँ मेरी फूड चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक रेसिपी जिसका नाम है बनाना पैनकेक्स, जो मैं व्हीट फ्लोर से बनाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अब हम बनाना। सबसे पहले आप इंग्रीडियंट्स देख लीजिए। यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 पके हुए बनाना, उसके बाद लिया है मैंने दही 1/4 कप। उसके बाद जिस तरह से हमें ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से हम मिल्क लेंगे। फिर व्हीट फ्लोर लिया है मैंने अराउंड 1.5 कप। उसके बाद मैंने शुगर लिया है, वो है 3 टेबल स्पून। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून और 1.5 टीस्पून बेकिंग सोडा। और इसके बाद मैंने लिया है सिनेमन पाउडर। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हम बनाना को पील ऑफ कर देंगे। कुकिंग ऑयल डालिए 2 टेबल स्पून। और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और इसमें हम 1.4 कप कर्ड डालेंगे। इसको भी आप मिक्स कर लीजिए। अब इसमें हम शुगर डालेंगे, इसको भी मिक्स कर दीजिए। अब आप इसमें ले लीजिए फ्लोर, व्हीट फ्लोर। बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा और इसमें आप 3 मिल्क डाल दीजिए, थोड़ा थोड़ा डालिए।
और भी मिर्च डालेंगे हम। थोड़ा सा मिल्क और जाएगा और अब सिनेमन पाउडर डालेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए हमें। ओके, अब हम एक पैन लेंगे। थोड़ा सा घी लगाएंगे। जैसे ही पैन गरम होगा हम उसमें हमारा बैटर डालेंगे। एक साइड होने देंगे हम अच्छे से। थोड़ा सा घी लगाएंगे, चेक कर लेंगे। और इसको पलट दें। देखिए फ्रेंड्स कैसा बना है ये पैन के, मैं आपको दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरह से बनेगा। इस तरह से आप सारे पैनकेक्स बना लीजिए। देखिए एक पैनकेक बनके रेडी है। मैंने यहाँ पे दूसरा भी बैटर डाला हुआ है। एकदम हल्के हाथों से आप करिएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इतने पैनकेक्स बना लिए हैं और भी मेरा अभी मैंने रखा है वो भी बन रहा है। ये भी होने को है, इसको भी निकाल देते हैं और थोड़ा सा घी लगा देते हैं। फिर से बैटर डालें।
तरह से हम और भी पैनकेक्स निकालेंगे। मेरे पैनकेक्स रेडी है, अब थोड़ा गार्निश करते हैं इसको। हम इसको बनाना और थोड़ी कटी हुई आलमंड से गार्निश करेंगे। और ऊपर से थोड़ा सा हनी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी बनाना केक, सॉरी बनाना पैनकेक्स रेडी है। तो जाइए जल्द से जल्द मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। गाइज, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लाइक्स, कमेंट, शेयर और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, टिल देन बाय।